वेलकम बैक टू टीसीसी वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीएसएस। हम आज एक न्यू लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है सीएसएस। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। और अभी हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंगे। जैसे कि एग्जांपल आप लोग पेज पे देख सकते हैं इस तरह कि हमारे पास एचटीएमएल जो है इज अ स्केलेटन ऑफ द वेब पेजेस। Then with some CSS, we can add style and class to that skeleton. इस example के अंदर बिल्कुल सही illustrate किया गया है कि अगर सिर्फ HTML अकेली हो, alone हो, तो then it's a example of a skeleton. लेकिन अगर हम उसके अंदर अगर CSS डाल दें, then उसके अंदर suit आ चुका है, उसके अंदर हमारे पास shoes हैं, and then we have accessories. तो CSS बेसिकली हमारी क्या है, वेब पेजेस के ऊपर एसेसरी है, डिजाइन है, स्टाइल है। इसके नेम के अंदर भी है कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इट इज यूज फॉर स्टाइल्स। अगर कोड के अंदर हम थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखें तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखें हम, हमारे पास कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है जिससे आप फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो आपको पीछे वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं HTML के उनको रिवाइज करना पड़ेगा। सो अज्यूमिंग कि आप लोग HTML से फेमिलियर हैं इन तमाम टैग से, तो हम अभी अगर देखें यहाँ पे कुछ HTML का कोड लिखा हुआ है और उसका आउटपुट इस साइट पे हमें ब्राउजर के अंदर शो हो रहा है। ये आउटपुट अभी एज सच कोई कस्टमाइजेबल नहीं है। हमें इसके इस हेडिंग का अगर हम कलर डिफरेंट चाहते हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसका कुछ कलर डिफरेंट चाहते हैं तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते थ्रू HTML, तो वो हम करेंगे थ्रू CSS। सो बेसिकली CSS एक लैंग्वेज है जो कि हमें अलाउ करती है अपने वेब पेजेस को स्टाइल और डिजाइन करने के लिए। मूविंग नेक्स्ट, तो अभी हम देखने वाले हैं कि बेसिक स्टाइल क्या है, सिंटेक्स क्या है CSS का, कोड को लिखने का बेसिक सिंटेक्स क्या है। जैसे कि अगर हम HTML का कोड देखें तो इसका कुछ ना कुछ सिंटेक्स है कि इसके कुछ टैग्स हैं। और HTML का सिंटेक्स लेक्चर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया था, आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अब देखना चाहें कि CSS का सिंटेक्स क्या है, तो उसको अभी हम इधर मेंशन करेंगे स्लाइड के अंदर। अगर हम अपनी देखें कि हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं कि ये तमाम क्या चीजें हैं और इस कोड को जरा एनालाइज करते हैं कि इस कोड का बेसिकली मीनिंग क्या है और ये डिफरेंस क्या है और इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसको जरा सा हम एनालाइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो अगर अब हम देखें कि हमारे पास इन तमाम डिफरेंट जो हमारे पास सिंटेक्स के अंदर जो हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं, उन तमाम को अब लेबल कर दिया गया है। अगर हम देखें हमारे पास ये जो इधर लिखा हुआ है H1, जो कि हमें अभी मालूम ही है कि H1 क्या है, HTML के अंदर एक हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है जो कि सबसे बड़ी और उसका मीनिंग सबसे हाईएस्ट होता है हायरार्की के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए H1 यहाँ पे लेबल किया गया है एज अ सिलेक्टर, विच मीन्स के थ्रू CSS हम HTML के किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा सिलेक्टर। देन हमारे पास इधर एक वैल्यू लिखी गई है जो कि है कलर, और इसको लेबल यहां पे दिया गया है प्रॉपर्टी कि बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम किसी की हाइट के बारे में बात करते हैं या किसी की कलर के बारे में बात करते हैं, तो हम उसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज बयान कर रहे हैं ना। जैसे कि अगर फिजिक्स या आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो डिफरेंट एलिमेंट्स की या डिफरेंट चीज़ों की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनको क्या उनकी क्वालिटीज शेयर करती हैं, उनकी जो बेसिकली तमाम जो चीज़ें मौजूद होती हैं कलर हाइट, उन तमाम चीज़ों को शो किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज से। तो इसी तरह अगर हम देखें हमारे HTML के एलिमेंट के अंदर कि अगर हमारा इसका कलर चेंज करना है हमने, तो हमारी वो कौन क्या लगेगी CSS के अंदर, ऑफकोर्स CSS के अंदर प्रॉपर्टी लगेगी, कलर की प्रॉपर्टी लगेगी ताकि हम इसका कलर चेंज कर सकें। देन अगर इसकी हाइट हमें चेंज करनी हो तो प्रॉपर्टी लगेगी हाइट की, इसकी विड्थ चेंज करनी हो तो प्रॉपर्टी लगेगी विड्थ की। तो ये CSS प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम आगे जाते हुए नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक और जो वैल्यू हमारे पास इधर मौजूद है CSS बेसिक सिंटेक्स के अंदर, वो है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू मीन्स कि जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट की है ना, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के अंदर जैसे कि हम H1 को कलर की प्रॉपर्टी को हम रेड वैल्यू दे रहे हैं,
मीन्स के जो एच वन एलिमेंट है उसका कलर जो है वो अब क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। हम इसको ब्लू भी दे सकते हैं, हम इसको येलो भी कर सकते हैं। तो वैल्यू बेसिकली आपकी अपनी मर्जी है, बाकी तमाम जो सिंटेक्स है अगर आपने कलर चेंज करना है तो वो यही रहेगा। आपने किसी और एलिमेंट का करना है, फॉर एग्जांपल आपने एच वन के बजाय एच टू का करना है, तो देन सिलेक्टर की जगह एच वन के बजाय एच टू आ जाएगा। देन प्रॉपर्टी अगर आपने चेंज करनी है कलर की तो कलर आएगी, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे तो आपने वो वाली प्रॉपर्टी चेंज करनी होगी तो वो आएगी और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू भी इधर ही आएगी। हमने अब बेसिक सिंटैक्स तो देख लिया सीएसएस का कि बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है सीएसएस के कोड का, लेकिन अब हम देखेंगे कि डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग सीएसएस क्या है, कि हम कितने मुख्तलिफ तरीकों से सीएसएस को अपनी फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर अटैच कर सकते हैं सीएसएस को। तो कुछ तीन मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे हम अपनी सीएसएस को ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका जो कि है इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन नेम के अंदर ही है कि लाइन के अंदर, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि थोड़ा सा कैसे बेसिकली ये कोड के अंदर ऐड किया जाता है, उसको मैं आपको शो करवाता हूं। अगर हम अपने कोड पे आ जाएं और अपने हम एच वन को देखें, अब इनलाइन स्टाइल्स को ऐड करने का ये सिंटैक्स रहेगा कि आप अपने एच वन या किसी भी एलिमेंट के अंदर जिसके अंदर आपको स्टाइल ऐड करना हो, आप उसके ओपनिंग टैग के अंदर आ जाएंगे, या अगर सिंगल टैग है तो आप टैग के अंदर आ जाएंगे। देन आप एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो एट्रीब्यूट होगा स्टाइल का, क्योंकि अब हम सीएसएस ऐड कर रहे हैं ना, तो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करेंगे ताकि वेब ब्राउजर को और सर्वर को पता लगे कि अब ये यहाँ पे स्टाइल मौजूद है, ये एचटीएमएल का कोड नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, स्केलेटन नहीं है, दिस इज स्टाइल। देन हम अगर अपनी कलर की प्रॉपर्टी हम देखें, अगर हमने चेंज करनी है कलर की, देन हम कलर लिखेंगे, देन हमारे पास आएगा कॉलन और फिर हमारी आएगी वैल्यू, जो कि अभी हमने बेसिक सिंटैक्स के अंदर देखा है वही सिंटैक्स इधर फॉलो होगा। अगर हमें रेड करना है देन हम करेंगे रेड, नेम लिखेंगे और एंडिंग हमारी होगी सेमी कॉलन के ऊपर। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होगा एक जो इनलाइन स्टाइल्स है उनको ऐड करने के लिए। अगर हम अपने इधर ब्राउजर के ऊपर इसका रिजल्ट देखें तो हमारा जो एच वन था अब उसका कलर रेड हो गया। इसी तरह अगर यही वाला स्टाइल्स हम कॉपी करें, तमाम को कॉपी किया, एच टू के टैग ओपनिंग टैग के अंदर आए और पेस्ट कर दिया, और अगर अपने ब्राउजर के ऊपर देखें तो हमारा एच टू भी रेड हो गया। लेकिन हाँ, अब क्या हम कर सकते हैं कि इसका जो कलर है इसके कलर को भी हम अब जैसे चेंज कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। हमारा एच वन रेड था, एच टू को हमने ब्लू कर दिया। तो ये बेसिकली इनलाइन स्टाइल्स हैं कि आप बेसिकली एक एलिमेंट के अंदर ही, उसके ओपनिंग टैग के अंदर ही आप स्टाइल को कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है स्टाइल ऐड करने की अपने एचटीएमएल की फाइल के साथ वो है इंटरनल स्टाइल्स। अगर इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें तो सीएसएस कैन बी इंक्लूडेड विद इन द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। दिस मेथड अलाउज यू टू डिफाइन स्टाइल्स दैट अप्लाई टू द एंटायर डॉक्यूमेंट और स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ इट। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम अपने कोड के अंदर देखेंगे कि ये बेसिकली क्या बात हो रही है। दो चीजें आपने याद रखनी है इधर के, स्टाइल टैग एंड देन हेड सेक्शन। अब इसको हम अपने कोड में देखेंगे। अब अगर हमने एचटीएमएल अपना अगर हम दोबारा याद करें तो हमने हेड टैग के बारे में पढ़ा था। अब हेड टैग के बारे में हमने जो पढ़ा था उसको हम इधर दोबारा यूज करेंगे कि हम हेड टैग के अंदर ही अपना एक और टैग अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि न्यू टैग है, जो कि है स्टाइल का। अब स्टाइल का जो टैग है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग दो टैग्स हैं और इसके दरमियान जो कोड जाएगा वो सीएसएस का कोड जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, जैसे कि हमने एच वन और एच टू का किया है इनलाइन स्टाइल से, और अब हमने पैराग्राफ का कलर चेंज करना है, तो अब हम बजाय इनलाइन स्टाइल्स के इंटरनल स्टाइल्स को यूज करेंगे। इंटरनल स्टाइल्स को यूज करने का तरीका कुछ इस तरह है कि हम हेड सेक्शन के अंदर आ जाएंगे, हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आएंगे, देन हम एक और न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अपना न्यू टैग इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि होगा स्टाइल का टैग। देन उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो अभी हमने बेसिक सीएसएस का सिंटैक्स देखा है उसको यूज करते हुए हम इधर स्टाइल ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमने देखा था एच वन के अंदर स्टाइल ऐड करना कलर का, अब बजाय एच वन के हम अब सिलेक्टर को चेंज कर देंगे, क्योंकि सिलेक्टर हमारा अब एच वन नहीं, हमें पैराग्राफ पे ऐड करना है, तो हमारा अब सिलेक्टर एच वन के बजाय पी हो जाएगा, विच मीन्स पैराग्राफ। देन हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आएंगी,
देन उन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान हम सीएसएस का कोड ऐड कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स हमने अभी देखा कि पहले प्रॉपर्टी आएगी, कलर, देन कोलन, देन फिर आपकी वैल्यू। अब वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको कुछ वैल्यू दे देंगे, जैसा कि इसको भी हम रेड कर देते हैं। तो अगर आप अपने ब्राउजर पे देखें तो अब ये पैराग्राफ भी रेड हो गया। इसको इनलाइन स्टाइल्स हमने प्रोवाइड नहीं किए, H1 और H2 को हमने प्रोवाइड किए, लेकिन अब स्टाइल्स इनलाइन का हमने क्या किया कि हमने पैराग्राफ को रेड कर दिया। अगर नेक्स्ट टाइप हम देखें जो कि हमारी है सीएसएस स्टाइल्स को ऐड करने की, वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या है, इसको थ्योरी जरा देख लेते हैं कि सीएसएस कैन बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फाइल विद अ डॉट सीएसएस एक्सटेंशन। अगर याद हो कि हमने एचटीएमएल की जब फाइल बनाई थी तो हमने यूज की थी डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन, लेकिन अब हम सीएसएस की फाइल बना रहे हैं तो हम यूज करेंगे डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन एंड लिंक टू एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजिंग द लिंक टैग इन द हेड सेक्शन। अब दोबारा हेड सेक्शन के अंदर हमने एक और नया टैग इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि है लिंक का टैग। अब इसको हम देखते हैं कैसे होगा। अपने हम वीएस कोड के अंदर आ गए। अब सबसे पहले तो हमने उधर थ्योरी में देखा कि हमने एक न्यू फाइल बनानी है जिसकी एक्सटेंशन होगी डॉट सीएसएस, तो वो बना लेते हैं। हमारा इधर आ जाएगा lecture5.css और अब सीएसएस की फाइल तो बन गई। अब इसका दूसरा काम थ्योरी के अंदर लिखा था कि इसको लिंक करना है अपनी एचटीएमएल की फाइल के साथ। अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो इस एचटीएमएल को नहीं पता चलेगा कि इसका स्टाइल इधर लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि अपने हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग के बाद लिख लेते हैं या पहले लिखने फर्क नहीं पड़ता, जस्ट हेड टैग के अंदर होना चाहिए। देन हम लिखेंगे लिंक। अब लिंक के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आएंगे आपके जो जरूरी हैं। पहला एक एट्रीब्यूट आपका जो बहुत जरूरी है वो है rel, rel means relationship, के इस लिंक का इस HTML की फाइल से क्या रिलेशनशिप है। तो हम जो लिंक कर रहे हैं वो है स्टाइल शीट, क्योंकि हम CSS की फाइल लिंक कर रहे हैं ना, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो ये यहाँ पे रिलेशन का क्या है कि ये स्टाइल शीट है। देन href, जिस तरह के एंकर टैग के अंदर हमें, अगर याद हो आप लोगों को, एंकर टैग के अंदर हमने देखा था कि href के अंदर हम कैसे एड्रेस ऐड करते हैं किस चीज का जिसको हमने लिंक करना हो अपने पेज के अंदर। तो अभी भी हम लिंक कर रहे हैं ना, तो इसका हम इधर एड्रेस ऐड करेंगे। इसका एड्रेस क्या बनेगा, क्योंकि ये सेम फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर के अंदर ये हमारी HTML की फाइल है, उसी फोल्डर के अंदर हमारी CSS की फाइल है, तो इसका लिंक हमारा इधर बन जाएगा .slash then अपनी फाइल का नेम। अब ये तो बात होगी। अब हम क्या करें, अब हम इसको एक नीचे हम न्यू एक एलिमेंट इधर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि है H3, और H3 के अंदर हम कुछ इधर लिख देते हैं। राइट, अब हमने एक न्यू एलिमेंट इधर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि है H3। अब फॉर एग्जांपल हमने इसका कलर भी चेंज करना हो, राइट, तो हम अब तीन मुख्तलिफ तरीकों से, हमें पता है अभी एक कि हम इनलाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट स्टाइल का लगा दें, दूसरा कि इधर स्टाइल टैग का जो लगा हुआ है इसके अंदर हम H3 का इस तरह का सिलेक्टर बना के उसका कलर रेड ब्लू कर दें। तीसरा तरीका क्या है कि अगर इस फाइल के अंदर एक न्यू फाइल जो भी हमने लिंक कर दी अपनी HTML के साथ, उसके अंदर आके अगर हम दोबारा वो CSS लिखें कि जो बेसिक सिंटैक्स था उसका कि सिलेक्टर देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उन ब्रेसेस के अंदर जो हमारा बेसिक सिंटैक्स था कि प्रॉपर्टी, कलर की प्रॉपर्टी, देन वैल्यू जो कि है ब्लू, और देन सेमीकोलन। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो H3 था अब इधर स्टाइल हो गया। ठीक है, अब फॉर इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे तीनों किस्म के स्टाइल वर्क कर रहे हैं। हमने जिस पे इनलाइन किया वो भी वर्क कर रहा है, जिस पे हमने इंटरनल किया वो भी वर्क कर रहा है, और जिस पे अब हमने एक्सटर्नल कर दिया वो भी अब यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब डिफरेंस क्या है इन तीनों में, आप बोलेंगे कि यार डिफरेंस क्या है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर डिफरेंस इनका ये है ना कि वो आपका एक, देखें अगर ये मैं HTML इधर लिख रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी HTML के अंदर भी मुझे CSS नजर आए, या मेरी HTML की फाइल के अंदर भी मुझे यहाँ पे CSS नजर आए। मैं अगर HTML लिख रहा हूं तो मैं जस्ट HTML लिखना चाहूंगा, और अगर इस फाइल के अंदर मैं CSS लिख रहा हूं तो मैं जस्ट CSS लिखना चाहूंगा। इस तरह आपका स्ट्रक्चर कोड अच्छा होता है। तो एक मेजर फायदा अगर आप थर्ड यूज करते हैं टाइप जो कि एक्सटर्नल, उसका ये है कि वो उस एक न्यू फाइल के अंदर होती है, एक अलग फाइल के अंदर होती है, आप उसको अपना स्ट्रक्चर कर सकते हैं। दूसरा, इनलाइन और एक्सटर्नल और इंटरनल आप ऐसे समझ लें कि दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। ठीक, एक इनलाइन है, देन हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल आपस में एक इनका ग्रुप है।
अब इनमें दोनों में क्या इनमें मेजर डिफरेंस है इन दो ग्रुप्स के अंदर? इनलाइन बेसिकली क्या है कि इनलाइन जस्ट उसी एलिमेंट पे अप्लाई होता है जिस पे आपने अप्लाई किया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर एच वन के ऊपर अप्लाई किया ना, तो जन इसी एच वन के ऊपर अगर मैं एक न्यू एच वन नीचे बनाऊं, एक और मैंने एच वन बना दिया और मैं इधर भी सेम टेक्स्ट ही डाल देता हूं। अब क्या हुआ कि हमारा जो नया एच वन बना उस पर स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, वो तो ब्लैक है। हमने तो इधर कहा था कलर रेड हो जाए लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसी पैराग्राफ को कॉपी करूं नीचे, अब मैंने एक सेकंड पैराग्राफ बनाया, तो इधर क्या होगा कि इधर वो सेकंड पहला पैराग्राफ भी ये कलर उसको लग गया। तो बेसिकली इंटरनल जो है और एक्सटर्नल जो सीएसएस है इनका स्कोप ग्लोबल होता है, और जो इनलाइन है इसका स्कोप जस्ट उसी एलिमेंट तक ही रहता है जिस एलिमेंट पर ये अप्लाई होते हैं। अगर हम देखें, हमने देखा कि एग्जाम्पल हमने अगर जिसको इंटरनल से किया था उसको डुप्लीकेट किया तो हो गया। अगर हम देख लेते हैं कि हम इसको करेंगे डुप्लीकेट जो हमने एक्सटर्नल से किया था, क्या स्टाइल अप्लाई होंगे? यस, स्टाइल अप्लाई होंगे। लेकिन जिनको हमने इंटरनल इनलाइन से किया था उनको अगर हम डुप्लीकेट करते हैं तो उनके स्टाइल दूसरे एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होते, क्योंकि हर एलिमेंट को अगर इनलाइन देना है तो उसी एलिमेंट तक महदूद रहेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। जबकि इंटरनल और एक्सटर्नल जो सीएसएस है वो उनका स्कोप ग्लोबल है और वो तमाम एलिमेंट्स जो कि उस टाइप के होंगे, उस सिलेक्टर से रिलेटेड होंगे, उन तमाम पे वो स्टाइल जो आपका आपने मॉडिफाई उधर किया है, आपने डिफाइन किया है, वो अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि हम अब इस स्लाइड के अंदर भी देख सकते हैं कि स्टाइल हमारा इनलाइन ऐड करने का कुछ इस तरह का हमारा है सिंटैक्स, कि हम किसी भी एलिमेंट के अंदर उसका एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, और यहाँ से आप इसकी वो भी पढ़ सकते हैं थ्योरी भी। हम किसी भी एलिमेंट के अंदर उसका एट्रीब्यूट ऐड करके उसके अंदर हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देन दूसरी प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज आपस में ऐड है। तो इनलाइन के अंदर यही है कि आप अगर एक प्रॉपर्टी आपने ऐड की है उसकी वैल्यू के बाद सेमी कोलन लगा के आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां से शुरू कर सकते हैं, और मल्टीपल जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज आप ऐड करना चाहें इनलाइन के अंदर कर सकते हैं आप इस तरीके से। और अगर इंटरनल की तरफ हम देखें तो जैसा कि हमने अभी देखा एग्जाम्पल के अंदर अपनी, कि हेड टैग के अंदर एक न्यू टैग जो कि है स्टाइल का टैग, देन उसके अंदर सीएसएस का कोड, जैसा कि बेसिक सिंटैक्स सीएसएस का हमने देख ही लिया है कि हमारा सिलेक्टर, कर्ली ब्रेसेस, प्रॉपर्टी, देन वैल्यू। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है इंटरनल का, कि इंटरनल के अंदर हम सीएसएस को कैसे ऐड करते हैं, कि हेड टैग के अंदर हम स्टाइल टैग को यूज करते हैं, देन उसके अंदर हम अपना जो सीएसएस का कोड है वो लिखते हैं। और लास्टली अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, तो CSS can be placed in an external file with a .css extension. हमने ऑलरेडी पढ़ा इस बारे में कि एक अलहदा फाइल में एक्सटेंशन ऐड करते हैं, अलहदा फाइल के अंदर .css के एक्सटेंशन के साथ एक अलहदा फाइल बना के उसके अंदर हम CSS को ऐड करते हैं, और उसको हम HTML के अपनी फाइल के हेड टैग के अंदर अपने लिंक टैग को यूज करते हुए हम ऐड करते हैं। हमने दो एट्रीब्यूट्स देख लिए, रिलेशनशिप और href, और टाइप भी आप ऐड लाजमी करें। हमारा टाइप के बगैर भी वर्क कर गया था, टाइप के बगैर वैसे भी वर्क कर जाता है, लेकिन अगर आप टाइप ऐड करेंगे लिंक के अंदर तो वो बेसिकली सिमेंटिकली ज्यादा करेक्ट है और अच्छा माना जाएगा, जब आपका SEO के लिए आपका ठीक होएगा ये। तो आपने टाइप का एट्रीब्यूट भी लाजमी ऐड करना है। टाइप बेसिकली आपकी टेक्स्ट है और स्लैश CSS है, विच मीन्स कि CSS का कोड है। ये आपके ब्राउजर को इस बारे में बता देगा कि आपका जो लिंक हो रहा है ये CSS का कोड है। तो बेसिकली इन तीन आपने एट्रीब्यूट्स को लाजमी ऐड करना है अपने लिंक टैग के अंदर। कि अपने हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है हमने ऑलरेडी अपनी एग्जांपल्स के अंदर देख रही है, जो कि है कलर की प्रॉपर्टी, और इसको ऐड करने का एक्सटर्नल में कुछ इस तरह का तरीका है कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आएगा सेक्टर, और देन उसकी प्रॉपर्टी जो हमने अभी देखनी है वो है कलर। उसके अंदर वैल्यू हम पास कर सकते हैं, कुछ कोई भी हम पास कर सकते हैं, जस्ट नेम्स में हम काफ़ी सारे कलर पास कर सकते हैं। अगर हम अपने ब्राउजर पर देखें, हमने इसको यूज़ किया है ऑलरेडी इधर, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी कलर को चूज किया है और देन हमारा जो कलर है हमने उसको डिफाइन किया है। तो बेसिक कलर की जो प्रॉपर्टी है ना, अगर हम स्लाइड के अंदर देखें तो कलर प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड, कि किसी भी एलिमेंट का जो फोरग्राउंड होगा, जो अप फ्रंट होगा, उसको जो नजर आने वाली चीज होगी सामने फ्रंट पर, तो उसका कलर सेट कर देगी कौन सी प्रॉपर्टी? सीएसएस में कलर की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे हमारे फॉन्ट्स हैं, तो इनका जो फोरग्राउंड है, जो हम बेसिकली इनकी ये जो शेप्स बनी हुई है, इन तमाम का कलर सेट कर दिया गया है यूजिंग कलर प्रॉपर्टी। तो ये सीएसएस की कलर प्रॉपर्टी है जिसको यूज किया जाता है कलर सेट करने के लिए फोरग्राउंड के एलिमेंट्स के। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि हमने अभी स्टडी करनी है वो है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी।
कुछ मैचिंग है, बस एग्जैक्टली मैचिंग नहीं है। हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड। सेल्फ एक्सप्लेनेटोरी है कि जो कलर की प्रॉपर्टी थी वो फोरग्राउंड के लिए थी और बैकग्राउंड कलर की जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली बैकग्राउंड के लिए। इसको हम कोड करके जरा सा देख लेते हैं कि हम अपने एज थ्री के अंदर ही यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, देन क्योंकि यहाँ पे ब्लू है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको ब्लैक कर लेंगे ताकि हमें ज़रा शो हो जाए। अब क्या हुआ कि हमारा ये जो एज थ्री थे इनका बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक कलर का हो गया। अगर हम इस ब्लू को चेंज कर दें यहाँ से और यहाँ पे हम करें येलो, हमारा टेक्स्ट अब इधर हमें शो हो रहा है अच्छी तरह जरा। तो ये देखें इसका जो एज थ्री था, एज थ्री की हेडिंग्स थी, अगर हम यहाँ पे कंफर्म करें एचटीएमएल की फाइल के अंदर तो एज थ्री की हेडिंग के अंदर यही टेक्स्ट है। तो एज थ्री के फोरग्राउंड पे हमारा येलो कलर हो गया और बैकग्राउंड पे हमारा ब्लैक कलर हो गया। अब इसी तरह इसको इंटरनल और इनलाइन से भी इस किया जा सकता है सेट। अगर हम इंटरनल में आ जाएं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट करें तो हम देखेंगे कि हमारे जो पैराग्राफ्स थे जिनको हमने स्टाइल्स इंटरनल दिया था वो भी अब उस बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है उनपे। और इसी तरह अगर हम इसमें आ जाएं इनलाइन के अंदर, अपनी जो वैल्यू हमने एंड की थी यहाँ पे सेमी कोलन के साथ, उसी के फौरन बाद हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, देन हम उसमें लिख देंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है जो कि है ब्लैक, और हम देखेंगे कि इनलाइन भी वो ऐड हो गया। लेकिन वही बात है कि इनलाइन जस्ट एक ही H1 पे अप्लाई हुआ है, जबकि हमने इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर जस्ट एक ही बार हमने कोड लिखा है और हमारा मल्टीपल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो ये था आज का बेसिक लेक्चर। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा चैनल को।